अरे कौन मनता है देत नहीं, अरे कौन मनता है देत नहीं, अरे कौन मनता है देत नहीं, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आरआर मध्ये बदल नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आप लोग का कहाँ हक मारा जा रहा है, जो सीआईएस के कैंडिडेट लोग यहाँ धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं तो कहीं कहीं आपका हक मारा जा रहा है, किस हिसाब से आपका हक मारा जा रहा है? क्योंकि अगर आईटीआई पे जो वैकेंसी निकली है वहाँ पे प्रशिक्षित टीचर चाहिए, अगर अनस्किल्ड टीचर ले होंगे तो क्या होगा कि आगे जाके उनको फिर सीआईटी भेजना पड़ेगा, फिर सरकार का खर्चा बढ़ेगा। सरकार का खर्चा यानी हमारा ज खर्चा है, वो क्या उनके जेब में से नहीं देना है, ये हमारे सब लिए हुआ खर्चा रहता है पब्लिक का। तो ये क्या करना चाहिए कि उनको जो प्रशिक्षित कैंडिडेट है उनको पहले कंपल्सरी करके लेना चाहिए, बाद में अगर नहीं मिले तो ले लो। नहीं नहीं, अभी जो जो उम्मीदवार है जो वैकेंसी है जो वैकेंट पद है अभी जो बचे हुए सारे महाराष्ट्र में से लिए जाएंगे तब भी वो वैकेंट पद भर के और लोग उतरेंगे सीटीआई वाले। इतना सारा कैंडिडेट अभी घर पे बैठा है जो बेरोजगार आज की डेट में। अभी हमारा एक ही है कि सीटीआई जो अनिवार्य करना चाहिए और हमें सबसे पहले प्राधान्य देना चाहिए। जैसे कि प्रशिक्षित जो सीटीआई कोर्स किए हुए जो कैंडिडेट हैं सबसे पहले उनको मौका मिलना चाहिए। हाँ। और वैकेंसी निकली हुई है जो 1400 कुछ 57 वैकेंसी निकली हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उससे ज़्यादा कितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे सीआईटी में? अभी 4.5 से 5 हज़ार कैंडिडेट जो है तो पास आउट होकर अभी घर पे बैठे। जैसे कि 4 से 5 हज़ार जो कैंडिडेट हैं सबसे पहले उनको मौका मिलना चाहिए, उसके बाद जो अनप्रशिक्षित जो कैंडिडेट होते हैं फिर उन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि जो अनप्रशिक्षित जो कैंडिडेट होंगे वह जो है ज्वाइंट होने के बाद भी उनको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा स्किल, लेकिन उसके जो रेडी पोजीशन में है जिनको ज्वाइनिंग फटाक से करके जिनको स्किल एक साल उन्होंने जो कोर्स कंप्लीट किया हुआ है अपना समय दिया हुआ है सबसे पहले उनको प्राथमिकता देनी चाहिए सरकार को, जो कि केंद्र द्वारा जो है यह जो है किया गया था कि सीटीआईएस जो कंप्लीट किए हुए कैंडिडेट हैं वह इस फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन आज की सरकार जो है महाराष्ट्र की सरकार में जो है ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, ओपन किया हुआ है कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं वो सही है सर जी। और उसके बाद में जो सीआईटी जो प्रशिक्षण है वो सीआईटी प्रशिक्षण करने के बाद में जो महाराष्ट्र सरकार में जो ढावलने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब निगलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, सीआईटी जो उम्मीदवार है वो खाली इंस्ट्रक्टर पद के लिए अप्लाई कर सकता है और दूसरे कोई पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, जैसे डिप्लोमा भी वाले अदर कोई भी जो वैकेंसी निकले तो उधर अप्लाई कर सकते हैं, सीआईटीएस वाला खाली इंस्ट्रक्टर पद के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि इनकी मजबूरी यह है कि ये दूसरे फील्ड में नहीं जा सकते, जब भी जा सकते हैं आईटीआई वाली फील्ड में ही जा सकते हैं, और इसमें मैं देख रहा हूँ महिलाएं भी हैं इसमें, और जो कि इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का कोर्स करके कितने साल हो गए आपके, कितने साल हो गए कोर्स? मेरे तो 10 साल हो गए, मैं 10 साल से सीटेट किया है, लेकिन 10 साल से तो वैकेंसी भी नहीं है। हमारे ऊपर जो डीजीटी डीवीडी अन्याय करी है, अन्याय करके इतने सारे महाराष्ट्र से इतने बच्चे हैं पढ़े लिखे, वो भी जैसे कि फार्मर के शेतकरी जो है ना उनके सब बच्चे गरीब के बच्चे, कहीं कहीं सरकारी नौकरी आप देखेंगे गरीब का बच्चा ही करता है, अपने हक के लिए करता है, अपनी एक उम्मीद रहती है जैसे कि भगवान से मिलना एक सरकारी नौकरी आज के समय में हो गई है, और कहीं कहीं गरीब का ही बच्चा अप्लाई करता है, कोई बहुत बड़े करोड़पति अरबपति के बच्चे या कोई नेता के बच्चे इच्छुक नौकरी अपना ही करते हैं, तो कहीं कहीं यह गरीब का जो हक मारा जा रहा है सरकार की नीतियों द्वारा, कहीं स्टेट सरकार की नीतियों द्वारा, केंद्र पास करती है तो स्टेट सरकार की नीतियों द्वारा कहीं कहीं इनका जो हक मारा जा रहा है। और यह जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो अपना समय देते हैं फीस देते हैं, सबसे बड़ी बात है इनकी एज निकल जाने के बाद क्या करेंगे, जैसे बता रही है 10 साल हो गए, 10 साल अगर ये वैकेंसी अभी निकली है 1457 वैकेंसी निकली है, अगर ये मौका इनके हाथ से निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे लाइफ में अपने? मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? अभी भी बहुत सारे पढ़ रहे यहाँ पे पढ़ रहे और दूसरे स्टेट में पढ़ रहे, जितने जहाँ पे सीटें संस्था है वहाँ पे पढ़ रहे। आप कहाँ से? मैं तो सतारा से हूँ। सतारा से? मैंने मुंबई से किया है। कई कई जिलों से आए हैं? बहुत सारे, मतलब पूरे महाराष्ट्र से, मतलब नागपुर से है, गोंदिया से है, रत्नागिरी से बच्चे है, कोल्हापुर से बच्चे है, और लेडीज भी आई है। अभी धरना प्रदर्शन आप कहाँ पे कर रहे हैं? आजाद मैदान।
आजाद मैदान और नागपुर सतारा जैसे आप बता रहे हो, इसकी डिस्टेंस अगर आप कोल्हापुर 14 से 15 घंटे दूरी करके कोर्स कंप्लीट करने के बावजूद इनकी कहीं कहीं मजबूरी है जो यहाँ पे इतनी संख्या में लोग जुट के अपने विरोध को लोग सरकार के सामने रख रहे हैं। पुरानी मुख्यमंत्री सरकार तो गई लेकिन नई जो सरकार बनी हुई है इनसे काफी ज्यादा उम्मीद है। हम बात करने की कोशिश करें इनसे कितनी ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि पिछली सरकारों में जो है यह वैकेंसी जो थी नहीं। अभी कितने साल हो गए, मतलब कितने महीने हो गए निकल वैकेंसी? अभी तो 10-15 दिन हो गए, 17 तारीख को वैकेंसी आई है, लेकिन उसमें हमें कोई भी प्राधान्य तो नहीं आया। हमें तो अनिवार्य चाहिए, कोई भी बच्चा आईटीआई करके तो वो भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा भी बच्चा अप्लाई कर सकता है और बीटेक सब कर सकते हैं। हम कहाँ जाए, केंद्र द्वारा जो CITS कोर्स कंपलसरी था जो करके जो है नौकरी पा सकते थे, इस पे आप सरकार से महाराष्ट्र सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? जो सिंधे सरकार है उनसे आप कितनी उम्मीद है कि इस प्रावधान को चेंज करेंगे या फिर उस पर ही वैकेंसी? हम तो उनसे यही उम्मीद करेंगे कि हमारा जो अन्याय हो रहा है इतने साल से हो रहा है, हम कोर्ट से भी अपील किए, कोर्ट से भी उनको दिया है परमिशन दिया है कि उनको ऑर्डर दिया है कि ऐसे करो, लेकिन वो उल्लंघन कर रहे हैं। मंत्री हो उसमें अधिकारी है, मंत्री है उसमें सब हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। हम ऐसे ही कई बार उनसे गई है मिलने के लिए, बस आश्वासन दिए, लेकिन उन्होंने कभी हमें ऐसा लिखित प्रस्ताव नहीं दिया, लेकिन दिया नहीं कुछ, ऐसे ही अन्याय करके रहे, इसलिए हम यहाँ पे आए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीलेश गुप्ता। आपका कितने साल हो? उससे पहले सर 2014 में जो एडवर्टाइजमेंट निकली उसमें भी उन्होंने CITS का कहीं भी उल्लेख नहीं किया था, तो इसीलिए हमने औरंगाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। तो औरंगाबाद हाईकोर्ट ने वो जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रद्द किया गया और उनको डिपार्टमेंट को मतलब जो RR है रूल है उन्हें चेंज करो और उसमें CITS कंपलसरी करो ऐसे बोलने के बाद भी उन्होंने कोर्ट का भी मतलब जो निर्णय है उसका अवेलना का जैसे औरंगाबाद ने इन्होंने विज्ञापन दिया उसके बावजूद भी जो है कोर्ट के द्वारा जो है बताया गया था CITS जिसकी कंप्लीट है उसी कैंडिडेट को जो है मौका मिले, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहीं कहीं उल्लंघन किया गया है स्टेट सरकार द्वारा। तो अभी जो नई सरकार बनी है सीधे जी आप क्या करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हम एक ही निवेदन करते हैं कि हम भी बेरोजगार कैंडिडेट हैं जो CITS का कंप्लीट करके यहाँ पे जो हमारा हक है और ये हम बोल रहे नहीं है, ये खुद सिलेबस में दिखेंगे जो दिल्ली सरकार है जो ये NSTI जो उन्होंने शुरू किया या ITI जो चला दी है ये सब गाइडलाइंस DGT देती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे। तो हमने तो आपके कहने का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है, DGT के द्वारा आदेश का उल्लंघन कर रही है। 2014 तक आज तक DGT ने ऑर्डर निकाला गया था ताकि शिल्प निदेशक जो रिक्वायरमेंट है किसमें रिक्वायरमेंट है उसमें जो CITS कंपलसरी तब भी यहाँ पे 17 अगस्त को पद भर्ती एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है उसमें भी CITS का कोई भी चांस नहीं है, यानी कि स्पष्ट ये होता है कि DGT के द्वारा केंद्र सरकार और जो ऑर्डर है उसको साफ साफ नहीं है मानती है। इधर राज्यों में भी है, इधर राज्य में फॉलो कर दिया, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉलो क्यों नहीं करती? लाखों हज़ार यहाँ महाराष्ट्र से 4 से 5 हज़ार CITI उम्मीदवार उत्तीर्ण है, उनको आपने CITS कंपलसरी करने का वादा क्यों नहीं करते, अमल वचन क्यों नहीं करते, कार्रवाई क्यों नहीं करते, डिसीजन क्यों नहीं लेते? यही हमारी मांग है सिद्धि सिंधे सरकार की, जो DGT के द्वारा जो ऑर्डर निकाली गई है उसको फॉलो करो, कार्रवाई करो, उसमें जो 17 अगस्त जो शिल्प एडवर्टाइज है उसको रीअसेंबल करो, शुद्धि पत्रक निकालो, नोटिस निकालो ताकि CITS को संपूर्ण न्याय मिले। मुख्यमंत्री जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनकी प्रॉब्लम को आप संज्ञान में लीजिए और इनके जो है लास्ट डेट कब है आवेदन का? सात सितंबर। 7 सितंबर। आज डेट क्या है? आज डेट 26 है और 7 सितंबर नज़दीक है। कहने का मतलब है इनके पास 12 से 15 दिन का ही समय बचा हुआ है, इस बीच में अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो यह जो है इनके पक्ष में आता है, नहीं तो आवेदन सबके करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सारी चीज़ें होने के बाद यह प्रोसेस कहीं कहीं दब जाएगा या जो है कहीं कहीं इनके जो हक मारे जाएंगे, जो CITS जो स्टूडेंट कहीं कहीं हक मारे जाएंगे आप देख सकते हैं। और मैंने जो जिक्र किया है कि काफ़ी दूर से आए हुए हैं,
14-15 घंटे दूरी से लोग आए हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, जो कि अकेला आज के समय में जो है महिलाएं इतनी दूरी तय करके कहीं कहीं इनकी मजबूरी इनको यहाँ पे लेके आई। दिव्यांग भी हैं, जैसे कि आज मोदी जी के भाषा में दिव्यांग बोला जाता है, और दिव्यांग भी यहाँ पे हैं। कहीं कहीं वह पीड़ित है, परेशान है, वह समझ रहे हैं कि उनका कहीं कहीं हक मारा जा रहा है, और यह मौका अगर उनके हाथ से निकल जाएगा, जैसे बताया लोगों ने काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसीज आई हुई है, और इतनी कम वैकेंसी आई हुई है, 1450 वैकेंसी है लगभग, तो इसमें ऑलरेडी जो CITS के स्टूडेंट हैं उनको सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो कुछ लोगों को मिल पाती है वह संतुष्ट है उतने में। लेकिन तब भी इसमें भी कहीं कहीं स्टेट सरकार की रणनीति जो है, इनकी जो नियम है उसकी वजह से इनके हक को मारा जा रहा है। इसको नई सरकार जो है संज्ञान में ले और इनकी समस्याओं को दूर करे। मेरे चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, जय हिंद।